नमस्कार ओम शांति, स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र पर महिला दिवस पर आयोजन। ओपॉल ग्रुप की ओर से सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश को प्रज्ञेश मेसरिया एवं हर्षवर्धन पारिक द्वारा विशिष्ट महिला पदक से किया गया सम्मानित। सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेवाओं को देखते हुए किया गया प्रदान। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के उसलापुर सेवा केंद्र पर भी आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने दी शुभकामनाएं। महिलाओं पर आधारित सुंदर नृत्य नाटक भी किया प्रस्तुत। विशिष्ट महिलाओं ने रखे अपने विचार। आगरा के सिकंदरा में वुमेंस डे और होली पर्व पर शिवालिक कैम्ब्रिज कॉलेज में आयोजन। ईदगाह सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विना, शास्त्रीपुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु समेत अनेक बहने आमंत्रित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बच्चों ने प्रस्तुत की सुंदर नृत्य नाटिका। हरियाणा में सोनीपत के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ब्रह्मा कुमारीज को किया गया आमंत्रित। सोनीपत सेक्टर 15 सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद और बीके सुनीता ने मन को प्रसन्न रखने की बताई सहज विधि। फरीदाबाद के एनआईटी सेवा केंद्र के द्वारा महिला दिवस पर 2 दिवसीय कार्यशाला। मिसेस इंडिया 2017 दीपशिखा लुंगाड़ी ने कहा, नारी को केवल अपने घर तक नहीं सीमित रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अनीता, नेहरू युवा केंद्र के अध्यक्षा शिवानी समेत अनेक अतिथियों ने रिश्तों में समरसता जैसे अनेक विषयों पर डाला प्रकाश। इसी उपलक्ष्य में गुजरात में कादी सेवा केंद्र के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन। विधायक नगर पालिका अध्यक्ष समेत कई विशिष्ट लोग शामिल। वहीं छत्तीसगढ़ के राजीव में बीके नारायण ने कहा कि नारी नव दुर्गा का प्रतीक है। वुमेन एट द वेलफेयर ऑफ अवर नेशन विषय पर गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र पर आयोजन। बीके डॉक्टर कावेरी, डॉक्टर कविता गागर समेत शहर की प्रतिष्ठित महिलाएं उपस्थित। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा कई गतिविधियों का आयोजन। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में उमंग उत्साह के साथ मनाई गई होली। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अतुल जैन, बीके भाग्यलक्ष्मी, बीके प्रीति समेत अनेक अतिथियों ने दी शुभकामनाएं। परमात्मा रंगों से जीवन को रंगने का आह्वान। मध्य प्रदेश में खरगोन के रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सम्पन्न। इसके साथ ही खिलचीपुर में बीके सदस्यों ने नारी को सम्मान देने की कही बात। हरियाणा के कैरू में शिव कथा का आयोजन। बीके सदस्यों ने परमात्मा शिव के अवतरण की दी जानकारी। कार्यक्रम से पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजन। दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र साई राजयोग शिक्षिका बीके नीता ने संस्थान की गतिविधियों से कराया अवगत। वहीं दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके इंदिरा ने होली पर्व का बताया आध्यात्मिक रहस्य। महिला दिवस पर भी विशेष आयोजन। दिल्ली के कृष्णानगर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके अनु और बीके कणिका ने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग से स्वयं के गुणों व शक्तियों को जगाने का किया आह्वान। हरियाणा के रोहतक में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रक्षा ने दी शुभकामनाएं। राजयोग सीखने का आह्वान। इंदौर के ICICI एकेडमी द्वारा स्किल्स डेवलपमेंट कॉलेज में मनाया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बीके राधा समेत स्टाफ के कई लोगों ने लगाए पौधे। वहीं ओम शांति भवन में क्षेत्रीय निदेशक बीके आरती की उपस्थिति में सभी ने मनाई होली। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर नगरपालिका उपाध्यक्ष मीरा आनंद समेत अनेक विशिष्ट महिलाओं को किया गया सम्मानित। गेम्स, कहानियों तथा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नारी को सशक्त बनने की दी प्रेरणा। मध्य प्रदेश के रीवा में जिला पंचायत उपाध्यक्षा विभा पटेल सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने सहन शक्ति, समाने की शक्ति समेत अनेक दिव्य गुणों को धारण करने का किया आह्वान। अहमदाबाद के अंबावाड़ी सेवा केंद्र पर लॉयंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने बताया कि महिलाएं ही घर को स्वर्ग बनाने के आधारशिला हैं। आगे गुलमोहर मॉल में एक्टिविटी क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीके शारदा मुख्य अतिथि के तौर पर रही उपस्थित। महिलाओं के सर्वांगीण विकास विषय पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। वहीं होली के पावन पर्व पर सभी ने खुशियां मनाते हुए स्व परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस व होली पर फरीदाबाद के सेक्टर 46 सेवा केंद्र पर आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने बीती कर जीवन में आगे बढ़ने का किया आह्वान। इंटरप्रेनर सोशल वर्कर नीता नेजा ने बताया कि नारी को मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनना चाहिए। वहीं वडोदरा के वासना रोड सेवा केंद्र पर आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम में विशिष्ट महिलाओं ने सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं के योगदान पर की चर्चा। कैंडल जलाकर स्व परिवर्तन का लिया दृढ़ संकल्प। गुजरात में कच्छ के मुंद्रा सेवा केंद्र के द्वारा श्री हनुमान मंदिर, लिज्जत पापड़ उद्योग और रोटरी क्लब समेत अनेक स्थानों पर मनाया गया महिला दिवस। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुशीला ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर चर्चा करते हुए राज्यों के बताए लाभ। दिल्ली के राजौरी गार्डन में जापान और फिलीपींस के निदेशिका बीके रजनी, माउंट आबू सहित ज्ञानमृत पत्रिका के सह संपादिका बीके उर्मिला और बीके शक्ति ने किया संबोधित। नॉर्थ एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन बीना विरमानी ने महिलाओं को दी बधाई। मध्य प्रदेश के जीरापुर में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू शर्मा ने कहा, नारी अबला नहीं बल्कि सबला है। वहीं राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू शर्मा, महिला बाल विकास सुपरवाइजर अरुणा द्विवेदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नम्रता ने परमात्मा से अविनाशी शक्ति लेने के लिए राजयोग सीखने का किया आह्वान। पंजाब के पठानकोट में महिलाओं से बच्चों को श्रेष्ठ संस्कारों की शिक्षा देने का आह्वान। बीके गीतांजलि ने कहा, महिला बच्ची की प्रथम गुरु होती है, इसलिए बच्चों को दे श्रेष्ठ संस्कारों की शिक्षा। मध्य प्रदेश में जबलपुर के भंवरताल सेवा केंद्र पर महिला दिवस पर कार्यक्रम। डॉक्टर अलका अग्रवाल ने कहा, अल्प आयु में ही बेटियों को सशक्त बनाए। डॉक्टर पुष्पा पांडे सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने नारी शक्ति की महिमा की। में कोई भी चीज जानी जाती है तो पवित्र हो जाती है, अर्थात कि जो द्रौपदी है वो पवित्रता का प्रतीक है। राजस्थान में भिलवाड़ा सेवा केंद्र पर बीके नीता ने रखे अपने विचार। सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा लोगों का किया गया मनोरंजन। होली के पावन पर्व पर इंदौर के छावनी सेवा केंद्र पर आयोजन। रेडियो कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, छावनी सेवा केंद्र की बीके कुसुम, लॉयंस क्लब के पूर्व जिला गवर्नर रतनलाल गुप्ता ने सभी को दी बधाई और शुभकामनाएं। यूपी के फैजाबाद में विधान परिषद के सदस्य लीला कुशवाहा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि और बीके शैलजा ने आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता विषय पर डाला प्रकाश। महिलाओं द्वारा संचालित ब्रह्म कुमारी संस्थान की श्रेष्ठ गतिविधियों की दी जानकारी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में कमांडेंट एवं चीफ इंस्ट्रक्टर कर्नल करनैल सिंह, कमांडर ओम प्रकाश समेत कई जवानों व अधिकारियों को मालनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने मूल्यों का बताया महत्व। कार्यक्रम के बाद अधिकारियों को दी गई ईश्वरीय सौगात। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मध्य प्रदेश के मंडला में नारी शक्ति के सम्मान में कार्यक्रम। प्रशासनिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिकता में अपनी सेवाएं दे रही महिलाओं को किया गया सम्मानित। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता को भी शील्ड प्रदान कर किया गया सम्मानित। बीके ममता ने राज्यों के महत्व से कराया अवगत। छत्तीसगढ़ के राज्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली मिलन का त्यौहार। बीके नारायण ने होली अर्थात पवित्रता को जीवन में धारण करने की कही बात। ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू सहित बीके कमलेश ने सकारात्मक व श्रेष्ठ विचारों पर दिया बल। महाराष्ट्र में पुणे के पेट सेवा केंद्र द्वारा नारी सशक्तिकरण दिवस पर क्वार्टर गेट सब जोन के सीनियर बहनों को किया गया सम्मानित। सब जोन संचालिका बीके पारू, पेट सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेणुका, बोपोड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत अनेक बहनों को श्रेष्ठ कार्यों के लिए किया गया सम्मानित। भारत की मातृशक्ति क्या नहीं कर सकती है विषय पर मध्य प्रदेश में वारा सिवनी सेवा केंद्र पर महिला जागृति आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन। बीके उर्वशी ने कहा, आध्यात्म से ही नारियां सशक्त व समृद्धिशील बनेंगी। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन विषय पर सेमिनार। अटलादरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर
दृष्टा शाह, एमटीवी रोडीज की पार्टिसिपेंट भाग्य सेतु शर्मा, टीवी एक्ट्रेस सोनाली देसाई और बीके पूनम ने टॉक शो के दौरान अपने विचारों को किया साझा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। एक महिला ऐसा अपब्रिंगिंग हमारा होता है कि महिला है इसलिए हमको दूसरे की टेक केयर करनी है, और उसमें जब अपनी एनर्जी जब लोज होने लगती है तब हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसने हमारा बहुत सारा टाइम लिया है, उसी से हेट्रेड होती है। ऐसे ही महाराष्ट्र के बार्शी में महिलाओं के अनेक रूपों का दर्शन कराने के लिए निकाली रैली। सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता के निर्देशन में निकाली गई रैली में लॉयंस क्लब, इनर व्हील क्लब समेत अनेक संस्थाओं के महिलाओं ने लिया हिस्सा। राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी सेवा केंद्र पर महिला दिवस और होली पर विशेष आयोजन। सविता राठौड़, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता और बीके मधु ने वर्तमान समय बढ़ रहे तनाव को समाप्त करने पर की चर्चा। वडोदरा के कमलानगर सेवा केंद्र पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम। पारुल इंस्टीट्यूट के एचओडी डॉक्टर लिपिका चक्रवर्ती, डॉक्टर बी के पालोमी और सेवा केंद्र प्रभारी बी के चंपा ने अपने अनुभवों से सभी को किया लाभान्वित। अंत में सभी ने अपनी कमियों पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा। जब इस धरा पर सतयुग और त्रेता युग था, हाँ हम कहते हैं कि भारत देवी देवताओं की भूमि है, अभी नहीं है लेकिन भूमि थी देवी देवताओं की, तभी तो इतनी यादगार है। हम ही हमारे परिवार के बच्चे जो लड़कियां हैं उनको पहले से ही डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये लड़की है उसको ये चीज़ नहीं मिलना चाहिए, लड़का है उसको ये चीज़ चाहिए। यूपी में मथुरा के जगन्नाथपुरी सेवा केंद्र द्वारा होली मिलन समारोह पर कार्यक्रम, चित्र प्रदर्शनी द्वारा लोगों को ईश्वरी संदेश देने का प्रयास। केंद्रीय मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, विधायक पूरन प्रकाश, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर समेत अनेक अतिथियों ने सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम, बीके सुमन समेत अनेक बहनों से की मुलाकात। उदयपुर के मोती मगरी सेवा केंद्र पर भी दिखा होली पर्व का उत्साह। उपस्थित लोगों ने अपनी कमियों और बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लेते हुए एक दूसरे को दी बधाई और शुभकामनाएं। पंजाब के पात्रा सेवा केंद्र पर पटियाला जोन के निदेशक बीके शांता ने की शिरकत। बीके बहनों ने कहा कि देश में ऐसी कई महान महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निशा ने सभी का माना आभार। तो यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है दिल से कि हम वुमेन हैं, हम स्त्रियाँ हैं तो कुछ कर सकती हैं। कन्या के बिना घर सोना है, कन्या है तो घर में रौनक है। मध्य प्रदेश में रतलाम के पत्रकार कॉलोनी सेवा केंद्र पर बड़े उत्साह के साथ मनाया गया महिला दिवस। पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी, रेलवे मंडल के रेलवे गार्ड दीपिका वैरागी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुलोचना शर्मा ने नारी को बताया सृष्टि की सर्वोत्तम रचना। अतिथियों को बीके सविता, बीके गीता द्वारा शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया सम्मानित। 364 दिन हम सोचते हैं कि पुरुष को 65 दिन महिलाओं का, पर ये बात गलत है क्योंकि महिलाओं में ऐसी शक्ति ऊपर वाले ने हमें दी है कि महिला कभी कमजोर नहीं है। मध्य प्रदेश के बघाना इंदिरा सिटी में महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजन। नीमच सब जोन प्रभारी बीके सविता ने कहा महिला यदि अपने आध्यात्मिक स्वमान को जानकर उसके स्वरूप में टिके तो परिवार, समाज और देश की सेवा कर सकती है। इस कार्यक्रम में बीके श्रुति, बीके शीतल समेत कई बहनें उपस्थित। इसके साथ ही मनासा, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी में भी बीके सदस्यों ने कई महिलाओं को किया संबोधित। हिम्मत, लाज और मर्यादा का समायोजन करने का आह्वान। औरंगाबाद सेवा केंद्र के द्वारा विश्व सद्भावना मोटरसाइकिल रैली का आयोजन। उद्योगपति और सकल जैन समाज के जनरल सेक्रेटरी महावीर पाटनी, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हेड अमेरांदो, बीके शीला समेत अनेक अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अतिथियों ने सारे विश्व को शांति का दान देने का किया आह्वान। झांकी रही मुख्य आकर्षण का केंद्र।
हर व्यक्ति शांति के पीछे लगा है, लेकिन हर व्यक्ति को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि शांति बाहर नहीं अपितु अपने आप में है, अपने अंदर है। 15 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर, तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।